योजित है, यही हमारी युद्ध नीति रहेगी। जी आचार्य। जाइए चुंडावत जी, अजय जी से तिलक करवा लीजिए। पर आचार्य जी, इन सब कार्यों के लिए हमारे पास समय कम है। चुंडावत जी, युद्ध से पूर्व वीरों के पास तिलक के लिए समय हमेशा रहा है। चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि समय का अभाव केवल एक बहाना है वास्तविकता को छुपाने के लिए, क्योंकि आपको लगता है कि भय छुपाने की असमर्थता के कारण अजय जी आपकी आंखों में इस भय को देख लेंगे, और यही कारण है कि आप उनसे छिपते यहां वहां भाग रहे हैं। भला आपसे क्या छुपाना आचार्य जी? चंडावत जी, यदि भय भी है तो उस भय को स्वीकार कीजिए। चंडावत जी, स्वीकार कीजिए उस भय को, और देखिए किस प्रकार तिलक की पवित्र भावनाएं आपके इस भय को साहस में बदल देंगी। हम आपको वचन देते हैं कि नहीं, युद्ध में जाने से पहले आप ऐसा कोई भी वचन ना दीजिए जो आपको अपने कर्तव्य निभाने से ध्यान बटा दे। ये लीजिए दाजीराज, विशेष मुगल मदरा पीजिए। कहते हैं इनकी मदरा इनके आचरण और नैतिकता से कहीं अधिक उत्कृष्ट होती है। मान सिंह, होश में आओ। बहुत ऊंची ऊंची और खोखले आदर्शों की बातें कर ली, अब वास्तविकता के कठोर धरातल पर उतरो और खुद को पहचानो। कौन हो तुम? क्या हो तुम? समाज सुधारक हो, दार्शनिक हो, या साधु हो प्रवचन देने वाले? तुम एक क्षत्रिय हो और एक सच्चा अनुशासित क्षत्रिय ना तो बिना बात किसी राजनीतिक निर्णय में उलझता है और ना ही उसका कर्तव्य कभी उससे प्रभावित होता है। फिर क्यों व्यर्थ बातों में अपना समय गंवा रहे हो? केवल कर्म करो। कर्म हमारा कर्म है युद्ध करना। युद्ध करो, लड़ो, फिर देखो इतिहास कैसे अपने आप बनते चला जाता है। किंतु दाजीराज, अगर आत्मा ही ना माने तो हथियार कैसे चला पाऊंगा मैं? मान सिंह, जिस समय तुमने अकबर को मित्रता का वचन दिया था उसी समय तुम्हारी आत्मा पर अकबर का अधिकार हो गया था। तुम्हारी अपनी आत्मा का राग आला अपना बंद करो। वचन भंग करना है वो तुम्हारा। आत्मा तो चाहे वो तुम्हारी हो चाहे हमारी, उसे वही सोचना होगा जो अकबर चाहेगा, उसे वही बोलना होगा जो अकबर चाहेगा, उसे वही महसूस करना होगा जो अकबर चाहेगा, उसे वही मानना होगा जो अकबर चाहेगा। समझे तुम? वचनबद्ध हैं उसके, और वचन देने के बाद पलटता नहीं कभी राजपूत। शहंशाह, ये रजा है, ये अपनी इस घूमती हुई फौलादी गेंद से जो भी इसकी जद में आता है ये फौरन उसकी गर्दन उड़ा देता है। हमारा धर्म नहीं कहता कि अबला स्त्री पर वार किया जाए। हमारा धर्म किसी के साथ छल करने को नहीं कहता। हमारा धर्म किसी की पीठ पर वार करने के लिए नहीं कहता। हमारा धर्म राजपूताने की समृद्धि और खुशहाली के लिए जीने की बात करता है, उसे किसी का दास बनाने की बात नहीं करता। मान सिंह,
मैं नहीं कहता कि मैं धर्म संकट में हूं, है हम धर्म संकट में और तुम भी हो, किंतु जो भी समझदार होता है, संवेदनशील होता है, उसी को तो ये धर्म संकट सताता है। किंतु समझदार व्यक्ति को इस धर्म संकट से उबरना भी पड़ता है। तुमने जो वचन देके रखा है शहंशाह अकबर को, उस वचन के सहारे उभरो। महाभारत में अर्जुन भी तो उलझा था धर्म संकट में, फिर वो उभरा और लड़ा अपने ही भाइयों से, अपने ही गुरुजनों से, अपने ही परिवारों के सदस्य से। ठीक है दाजीराज, हम लड़ेंगे अकबर के लिए और जीत कर दिखाएंगे आपको। किंतु याद रखिएगा दाजीराज, इस युद्ध में अर्जुन हम नहीं, राणा प्रताप। और ये दूसरा शख्स, ये देखने में कुछ पागल सा दिखता है, लेकिन ये अच्छों अच्छों के होश ठिकाने लगाने की हैसियत रखता है। ये ऐसा शख्स है जिसे कभी किसी किस्म का कोई दर्द महसूस नहीं होता। लोग इसे मारूश कहते हैं, मारूश जो कभी हार नहीं सकता। खूब मुल्तान खान, बहुत खूब, बड़े दिलचस्प बंदे लाए हो मुल्तान खान, मजा आ गया। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो, आलमपनाह का इकबाल बुलंद हो। मान सिंह, मान सिंह, हम तुम्हारे ही मुनासिब इस्तकबाल के लिए तोहफे चुन रहे थे। खुशामदीद, खुशामदीद। ये रजा लॉ गेन से सामने वालों का सर उड़ाने में पारंगत, और ये अजय मारूश जिसने अपनी पीड़ा की अनुभूतियां मार ली। देखा देखा, हम ना कहते थे काजी, ये अपने किस्म के एक ऐसे शख्स है जो हम मुगलों की रूह तक से इस कदर वाकिफ है। जब ऐसे दानिशमंद शख्स हमारे मंसूबों और इमाल पे शक करने लगते हैं तो खुदा कसम घबराहट होने लगती है। शहंशाह, मेरे विचार से ये आपके हुजूर में बिना किसी संदेह के खड़े हैं। जी शहंशाह, हम युद्ध में जाने के लिए तैयार हैं और हम आपको वचन देते हैं कि हम प्रताप को मार देंगे, और यदि हम अपने कार्य में असफल रहे तो कभी अपने आप को आपके सामने नहीं लेकर आएंगे और ना ही आपको अपनी शक्ल दिखाएंगे। बताइए मान सिंह जी, कैसे निकालेंगे आप हमें इन जंगलों में से? नहीं अमर सिंह जी, अमर सिंह जी, आपको स्टुअर का सामना करना पड़ेगा। आप बहुत साहसी हैं, अब हमें छोड़कर नहीं जा सकते। हे भगवान, कुंवर सा को भी वही महामारी प्रतीत हो रही है। कैसी महामारी रहती जी? ये चूहों से फैलने वाली बड़ी खतरनाक महामारी है। सारा नगर इसके प्रकोप से त्राही त्राही कर रहा है। देखते ही देखते लोग अपने प्राण गवा रहे हैं महारानी साहब। पर रहती जी, उपचार क्या है इसका? कोई तो उपचार होगा ना इस व्याधि का? उपचार तो है महारानी साहब, अधिकतर सहायक युद्ध में गए हुए। अब इस नए प्रकार की महामारी के लिए सबसे पहले अपने अन्वेषण कक्ष में बैठकर हमें औषधि बनानी पड़ेगी और स्वयं रोगी को देनी पड़ेगी।
आप निश्चिंत होकर इस महामारी की औषधि बनाई वैद्य जी, और फिर हमें बताएं इसे कैसे कैसे दें। हम वैसे वैसे अमर सिंह जी को देंगे। और बात है, आप इस राजमहल की सभी औरतों को भी समझा दें, ताकि वे इस नगर के घर घर में जाके जो भी इस महामारी से पीड़ित है उन्हें यह औषधि देकर बचा सके। जो आ गया महारानी साहब। तो बताइए मान सिंह, आपकी राय में इन भीलों के जंगलों को कैसे पार किया जाए? आप तो वाकिफ ही होंगे इस जंगल को पार करने की कवायद में हम कितने सिपाही गवा चुके हैं। आपका सारा काम कर दिया है हमने। जाइए आप। ये कौन था मानसिंह जी? हमारा प्रिय भतीजा भोकल सिंह। बहुत भरोसा करते हैं हम इस पर शहंशाह, जो भी काम देते हैं कर देता है। बहरहाल हम जंगल के मसले पर थे, तो बताइए कैसे पार किया जाए इसे। यदि इतना कठिन लग रहा है इसे पार करना, तो हम पार ही नहीं करेंगे इसे। ज्यों ही मसला रोजे का सामने आया, बंदा खिसियाया और बुत परस्त बन बैठा। मान सिंह जी, अगर हम इस जंगल को नहीं पार करेंगे तो फिर हल्दी घाटी के मैदान तक कैसे पहुंचे? और फिर इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं? इस जंगल के अलावा तो ये सारा इलाका बड़े बड़े पहाड़ों से घिरा हुआ है। घिरा हुआ था पहाड़ों से, अब नहीं। मार्ग में आने वाले सारे पहाड़ों में बारूद लगा दिया है, और जैसे ही वे पहाड़ एक एक करके जमीन दोज होंगे, हम बहुत आसानी से उसे पार कर हल्दी घाटी पहुंच जाएंगे। इससे दो बातें स्पष्ट हो गई हैं। एक कि मुगल सेना का नेतृत्व, उसकी कमान अब स्वयं मानसिंह जी संभालेंगे, और दूसरी बात कि अब मुगल सेना इस जंगल के मार्ग से हल्दी घाटी कदापि नहीं जाएंगे। मरहबा मरहबा मान सिंह जी, आपने और आपके भतीजे ने तो कमाल कर दिया। हम इसी वक्त आपको अपने 40,000 सिपाही और सभी से फैसलार आपके मातहत करते हैं। आप पूरे अख्तियारात और इत्मीनान के साथ जंग के इस आखिरी और सबसे अहम हमले को अपने हिसाब से सर अंजाम दे सकते हैं। हम पूरा प्रयास करेंगे कि इस युद्ध में जीत हमारी ही हो, और इस जीत का उत्सव मनाने के लिए हम सब जीवित भी रहें। शहंशाह अकबर जिंदाबाद, शहंशाह अकबर जिंदाबाद, शहंशाह अकबर जिंदाबाद, शहंशाह अकबर जिंदाबाद। राणा जी, इन मुगलों को पहाड़ पर ही रोकना होगा हल्दी घाटी में आने से पहले। नहीं पूजा जी, नहीं, हमने हर कोण से इस पर विचार करके देखा है। पहाड़ों को बम से समतल करने वाले मुगलों के पीछे जाना, ऐसे में केवल हम अपना बहुमूल्य समय नहीं गवाएंगे, बल्कि हमारी शक्ति, हमारा सामर्थ्य दोनों व्यर्थ हो जाएंगे। यदि ऐसी बात है तो हमें डट कर उनका युद्ध के मैदान में सामना करना चाहिए पूर्ण तैयारी के साथ, बल्कि न ही उनके पीछे जाएं उन्हें रोकने के लिए। नहीं, ये उचित नहीं होगा पूजा जी।
तो क्या मैदान में सामना करेंगे हम मुगलों का? जी हाँ, पर राणा जी, मैदान में मुगलों का सामना करना कोई अच्छी बात नहीं है। इसमें सारा खेल सेना के संख्या बल का होकर रह जाएगा। और संख्या बल के आंकड़े कुछ इस प्रकार, मुगल सेना में है 40,000 सैनिक और हमारी सेना में केवल 10,000। अब अपने से चौगुनी सेना का मुकाबला हम उस बड़े मैदान में कैसे कर पाएंगे? राणा जी, अपने 10,000 जाबाज सिपाहियों में हमारे 5,000 जाबाज अफगान सिपाही भी शामिल कर लीजिए। राणा जी, हमारा एक एक भील कई मुगलों पर भारी पड़ेगा, इसलिए हमारे 3,000 भील भी साथ जाएंगे। और 3 हम भी हैं। राणा जी। आचार्य जी, आप सभी यहां, तो फिर राजमहल की सुरक्षा का उत्तरदायित्व आपने किसके हाथ सौंपा? राणा जी, हमने विशिष्ट सैनिकों की एक टुकड़ी को महल की सुरक्षा के लिए तैनात कर दिया और दूसरी टुकड़ी को उदयपुर नगर की सीमा पर तैनात कर दिया। किसी भी प्रकार की कोई भी संदेहजनक स्थिति की सूचना हम तक पहुंच जाएगी और वैसे भी इन मुगलों को उदयपुर तक पहुंचने के लिए यहां से जाना होगा। अब रानी साहब को भी कम मत आंकिए राणा जी, इन विपरीत परिस्थितियों में आपका साथ देने के लिए हमें प्रेरणा और आग्रह रानी साहब ने ही किया और उन्हीं का कहना था कि इस महायुद्ध के समय हमारी उपयोगिता राजमहल से अधिक रणभूमि में, और यहां पहुंचते ही हमें आभास हो गया कि रानी साहब उचित कह रही है। यदि ऐसी बात है तो फिर ठीक है, आप सभी के रहने से हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा, हमारा आत्मबल बढ़ेगा। आप सभी के सहयोग से, सभी की सहायता से अब तो हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हल्दी घाटी के इस महायुद्ध में हम मुगलों को हराने की बात भी सोच सकते हैं और ये कार्य करेगी। मेवाड़ की सेना की 8 भुजाएं, आचार्य राघवेंद्र, मान सिंह झाला, आंडा डूडा सांडा, भीम सिंह टोडिया, हाकिम खान सूरी, शालिवान सिंह, चंद्रसेन राठौर और कृष्णदास चुंडावत। ये है हमारी अष्टी भुजाएं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.